अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एजाज़ कुरैशी फ्रॉम नॉलेज हाउस। आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से नहीं है हमारी लाइफ में, ये जब 2040 से हमारी लाइफ में है। मैं जब हमारा कैलकुलेटर आया था, जब एक छोटी वॉच आई थी, कैलकुलेटर वाली घड़ी थी, ये सारी इंटेलिजेंस के ऊपर काम, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती हैं। कोई चीज़ हम उन्हें उनसे पूछते हैं तो वो ढूंढ के देता है। गूगल के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही होती है जो उसको ढूंढ के देती है। हमारी जितनी गेम्स हैं, हमारे जितनी टॉयज़ हैं, हमारी जो मूवीज़ हैं, हमारे जितने सॉफ्टवेयर्स हैं, ये गूगल्स का सेटअप्स है, ये जितने भी ऑनलाइन अर्निंग ट्रेनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंसान की तरह से एक ऐसा ब्रेन है, इंसान की तरह का ब्रेन है, जो खुद सोचता भी है, जवाब भी देता है और उसके ऊपर एक्शन भी लेता है। और हमें उसके के करीब तरीन लाया गया और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत ज़्यादा जो है ना, जैसे एक बॉल है, एक पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट की वैल्यू है और उसकी जो वॉल्यूम है, इसी तरह एक फ़ुटबॉल की वैल्यू है, उसका उसका जो वॉल्यूम है, इतना ज़्यादा पॉइंट और फुटबॉल में डिफरेंस है, जितना ज़्यादा कि हम आपको बताने, जितना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है, अनमोनिटरेबल है। बहुत फास्ट चीज़ आ रही है, आने वाले दिनों में हम इस काबिल हैं, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हमारा स्टूडेंट इसके लिए ये तैयार है, जो कि हमने आगे वाले जिन चैलेंजेस का मुकाबला करना है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर में, आईटी में, टेक्नोलॉजीज में, हर चीज़ में, जिस तरह जो है ना हमें वो चाहिए, जितना जितना फास्ट और जितनी तेज़ हम जा रहे हैं, क्या इसके ऊपर हम इसको फॉलो कर रहे हैं, क्या हम खुद इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्या हम इतने शार्प हैं, क्या हम इतने ब्रिलियंट हैं, क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि जो 30-30 साल स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ा उनका ज़ाया हो गया और उन्हें जॉब नहीं मिल रही, और जो एक बिल्कुल स्टूडेंट आदमी है, जो 8 साल का, 16 साल का, जिसने आईटी पर काम किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया, जीपीटी पर काम किया किया या ChatGPT से काम किया, वो उससे ज़्यादा तेज़ हो गया, वो उससे ज़्यादा लाखों करोड़ों पे अर्निंग कर रहा है, और एक पढ़ा लिखा इंजीनियर डॉक्टर CV फेंक रहा है, जॉब के लिए भूखा प्यासा फिर रहा है, चंद हज़ार की जॉब के लिए तड़प रहा है।